हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों आपको ये बता दें कि आज का ये जो वीडियो है क्लास टेंथ के छात्रों के लिए बन रहा है। क्लास टेंथ के पे है ना छात्रों को हम पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे। त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 6 अपलोड हो चुका था, आप लोग उसे अच्छे से देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग वैसे बात कर रहे थे कुछ प्रूफ करने वाला, त्रिकोणमिति में कुछ प्रूफ है ना करने के लिए क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तब 5 का 3 क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, 5 का 14 क्वेश्चन अभी देखिएगा आप लोग। ऐसे तो 5 का 14 क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 प्लस से के, देखिए बच्चों क्या कह रहा है, 1 प्लस से के बटे से के का जो मान होता है वह साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए के बराबर होता है। कह रहा है साबित करने के लिए कि 1 प्लस से के बटे से के जो होता है ना वह साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए के क्या होता है, बराबर होता है। और इसमें नीचे लिखा हुआ है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को दोनों को क्या कीजिए, अलग अलग हल कीजिए। तरह दोनों को अलग अलग हल करने के लिए अर्थात एल एच एस से कुछ निकाल लीजिए और आर एच एस से निकाल लीजिए, दोनों यदि इक्वल आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि दोनों क्या हो गया, साबित हो गया। ऐसे दोनों एक जैसा आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। बच्चों हम पिछले वीडियो में आपको यह बताए थे कि प्रूफ करने के लिए कुछ ट्रिक बताए थे, कुछ फॉर्मूला सब लिखाए थे, कहते हैं फॉर्मूला का भी उपयोग किया जाता है तोड़ने में ऐसे। और एक बात यह कि यह समझाते हैं कि अगर सवाल में कहीं पर भी ऐसे सेक आ जाए, कॉट आ जाए, तो सबको कोशिश कीजिएगा आप ऐसे साइन कॉस में तोड़ लेंगे। साइन कॉस में तोड़ने पर सवाल क्या होता है, काफी इजी हो जाता है, आपको बताए थे। आज भी हम उसी नियम का फॉलो करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो कह रहा है पहले एलएचएस क्वेश्चन में कह दिया हुआ है, नीचे लिख दिया हुआ है कि वाम पक्ष और दया पक्ष को अलग अलग हल कीजिए, अर्थात एलएचएस और आरएचएस को दोनों को अलग अलग हल कीजिए। चलिए देखिए ना, तो एलएचएस में 1 प्लस सेक ए बटे में दिया हुआ सेक ए, ध्यान दीजिए बच्चों 1 प्लस से के बटे से के। अब इसको चलिए हम लोग साइन कॉस में तोड़ लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस से को तुझेगा तो क्या होगा, 1 बटे से कॉस ए, ऐसे को इसको तोड़िएगा तो 1 बटे क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। ऊपर ना एक के बटे में कुछ देख दीजिए, उसका लॉस ज्ञात कीजिए। देखिए यह असली बटा हुआ, असली बटा के नीचे में यह हो गया ऐसे कॉस ए आ गया, ठीक है। अब ऊपर में एक और कॉस का लॉस ज्ञात कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। एक से कॉस से भाग दीजिएगा तो कॉस, कॉस को एक से गुणा कीजिएगा तो ये हो गया कॉस ए, प्लस कॉस से कॉस से भाग दीजिएगा तो एक, एक को एक से गुणा कीजिएगा तो एक, ये कॉस से कॉस क्या हो गया बच्चों, कट गया, आ गया रिजल्ट आपका कितना, कॉस ए प्लस कितना आ गया, 1 आ गया। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि एलएचएस हमारे पास क्या चुका है, कॉस ए प्लस 1। अब चलिए बच्चों हल करते हैं आरएचएस, क्या हल करते हैं आरएचएस। आरएचएस दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, क्या दिया बच्चों, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए बच्चों साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हम आपको पढ़ाए थे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो फॉर्मूला लिख दिया बटे में 1 माइनस क्या हो गया, कॉस ए। अब देखिए बच्चों यहाँ से इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए था नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 1 का है तो 1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है तो इसको कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला होता है, आगे बन जाएगा फॉर्मूला। अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, बच्चों आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यहाँ पर ऊपर में 1 प्लस कॉस ए और इंटू में 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और नीचे 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया तो क्या रिजल्ट आपका ना आ गया, कॉस ए प्लस कितना आ गया, 1 आ गया। तो एलएचएस में जो मान आया था वो क्या हो गया, आरएचएस के मान के बराबर हो गया। इसका मतलब हो गया कि एलएचएस जो हो गया वो आरएचएस के क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब हो गया कि आपका दिया गया त्रिकोणमिति का जो स्टेटमेंट है जो साबित करना है वो क्या हो जाता है, साबित हो जाता है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन 5 में कह रहा है बच्चों कि सर्वसमिका कॉस स्क्वायर ए, ध्यान दीजिए बच्चों कह रहा है कि सर्वसमिका कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का ना प्रयोग करके साबित करना है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे
कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए होता है। देखिए बच्चों क्या साबित करना है, कह रहा है कि इसे सरसविका का प्रयोग करना है। सरसविका का मतलब सूत्र हुआ, इस पर किसी को सेटिस्फाई किया जाता है। तो यह कह रहा है कि इसका प्रयोग करना है, कॉस स्क्वायर ए बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए का प्रयोग करना है आपको। कॉस स्क्वायर ए बराबर वन प्लस किसका प्रयोग करना है, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए का आपको प्रयोग करना है। अब प्रयोग करके आपको यह दिखाना है कि यह जो दिया हुआ है इतना का मान क्या होता है, इतना के बराबर होता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिस क्या हो जाएगा, आर्थिस के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल होगा, तुरंत हो जाएगा। देखिए बच्चा ध्यान से कि एलएचएस क्या कर रहा है, तो एलएचएस है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन दिया। देखिए कॉस, देखिए सवाल कितना जल्दी सवाल बन जाएगा, बहुत इजी, सिर्फ हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और सवाल यहाँ पर बनकर रेडी रहेगा, सिर्फ हम दिमाग लगा देंगे और सवाल बन जाएगा। प्रूफ करने वाला बहुत आसान होता है बच्चों, बहुत आसान होता है। देखिए इतना दिया हुआ और यह लाना है, आपको हम बता चुके हैं कि क्या लाना है आपको, क्या आपको लाना है उसको भी आप विचार कीजिए कि क्या आपको लाना था इसे। तो कह रहा है कि कौशिक ए प्लस कॉटे को लाना है। अब जो ध्यान दीजिए, कौशिक का उल्टा कीजिएगा तो बटा में साइन आता है तो वन बटे साइन, कॉट का उल्टा किया है ना, कॉट को साइन में बदल दीजिएगा कॉस में तो कॉस बटे साइन। तो देख रहे हैं कि दोनों में नीचे में साइन आ रहा है, आ रहा है कि ना रहा है, तो हम क्या करेंगे साइन से इसमें ऊपर नीचे भाग देंगे। क्या करेंगे बच्चों, साइन से ऊपर नीचे क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे। तो मेरा पहला काम होगा साइन से ऊपर नीचे भाग देना। अगर बच्चों यहाँ पर सेक देता, सेक कॉसेक नहीं रहता, सेक रहता तो सेक का उल्टा कॉस होता तो हम लोग कॉस से भाग देते, किससे भाग देते हैं कॉस से, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं, यहाँ पर हम लोग भाग देंगे किससे, साइन से भाग देंगे। तो साइन से ऊपर नीचे है ना, साइन ए से अंश और हर, अंश और हर में ऐसे अंश और हर, साइन ए से अंश और हर दोनों में भाग देने पर, दोनों में क्या देने पर, भाग देने पर। अब देखिए दोनों में भाग दीजिए, ध्यान दीजिएगा, साइन ए से क्या करेंगे अंश और हर दोनों में क्या कर देंगे, भाग देंगे। यह एक प्रकार ऊपर से ना, एक प्रकार से अंश है और नीचे में यह क्या है, हर है। तो यह ना अंश है और यह हर है, तो साइन ए से हम अंश और हर दोनों में भाग दे रहे हैं, अर्थात ऊपर नीचे दोनों में हम भाग देंगे। तो जब भी भाग देंगे तब क्या हो जाएगा, ऊपर में साइन से भाग देंगे, यह हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बटे क्या हो जाएगा, साइन ए, और बटे में कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस वन बटे क्या हो जाएगा, साइन ए। चलिए बच्चों भाग लीजिए, भाग जब भी लगेगा तो दोनों अलग अलग जितना भी टर्म है सब में साइन से भाग लगेगा, तो साइन से पहले कॉस में भाग देंगे, तो साइन से कॉस में भाग देंगे तो वह हो जाएगा सेक, साइन से कॉस में भाग देंगे तो वह हो जाएगा कितना, कॉट हो जाएगा, कॉट ए कॉस से भाग दे रहे हैं। अब साइन, साइन से साइन भाग देंगे तो वह हो जाएगा कट जाएगा, एक आ जाएगा, अब एक भाग देंगे साइन से तो वह हो जाएगा कितना, कॉसेक ए आ जाएगा बटा में कॉसेक ए। अब देखिए बच्चों, अब कॉस में भाग दीजिएगा फिर साइन से तो क्या हो जाएगा, कॉट ए, अब साइन साइन में भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक, उसके बाद इसे एक में भाग दीजिएगा साइन से तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। बताइए बच्चों इतना समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना है आपको, ऊपर नीचे साइन से क्या कर देना है, भाग देना है, साइन से आंसर और दोनों में क्या करते हैं, भाग दिया है, चाहे इसको ऐसा लिख लीजिएगा ऊपर नीचे क्या करना है, इसमें ऊपर नीचे क्या करेंगे, साइन से दोनों तरफ पर है ना, साइन से भाग देने पर, अर्थात इसे अंश और हर दोनों में मतलब ऊपर और नीचे दोनों में भाग दिए साइन से, तो साइन से भाग देंगे तो ऊपर वाला का वन बटे साइन और फिर नीचे वाला वन बटे क्या हो जाएगा साइन। अब उसके बाद क्या करेंगे, जब भाग दिया जाता है तो उसको अलग अलग लिखा जाता है, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, और यहाँ पर हो जाएगा इतना बटे इतना, इतना बटे इतना और इतना बटे इतना, उसको हम लिख के ऐसे काट के निकाल लेंगे हम। अब हमारे पास रिजल्ट आ चुका है कि कॉट ए माइनस वन प्लस कॉसेक ए बटे कॉट ए प्लस वन माइनस क्या गया, कॉसेक आ गया। अब हम क्या करें, मुझे पता है ऊपर में से इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और माइनस वन, अब बटे में इस है ना, इसको जस्ट के तस रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, इसमें कुछ हम करवे नहीं करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉसेक ए अब प्लस में कॉट ए जस्ट के तस रहने, उसको एक प्रश्न कर लीजिए, अब वन के जगह पे बच्चों बताइए आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया गया है कि नहीं, बताइए तो याद आ रहा है फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आता है, वन होता है कि ना, वो फॉर्मूला होता है, इसलिए उसके जगह पे वो जस्ट के तस लिख दीजिए। अब यहाँ से बच्चों ध्यान दीजिएगा,
यहाँ से ध्यान दीजिएगा, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके जगह में वही लिख रहे हैं, ये हो जाएगा कॉस ए और प्लस में क्या हो जाएगा कॉट ए, अब यहाँ से माइनस ये हो जाएगा एक पोस्ट में कॉसेक ए प्लस कॉट ए मतलब ए प्लस बी, और एक हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यह हो गया ए प्लस बी ए माइनस ए, बटा में क्या हो गया कॉट ए प्लस वन माइनस क्या हो गया कॉसेक ए हो गया गया कॉसेक ए। अब देखो यहाँ से ये है ना, इसमें कॉसेक ए प्लस है ना कॉट ए दिया हुआ, इधर ऐसे है ना कॉसेक ए प्लस कॉट ए इधर भी है, तो दोनों में से कॉसेक ए प्लस कॉट ए क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, अब कॉमन हो गया तीसरे से भाग देंगे, तीसरे से भाग देंगे तो क्या बचेगा एक, और इससे से भाग देंगे तो बचेगा कॉसेक ए, अब माइनस में कितना बचेगा कॉट ए बचेगा, कितना बच गया बटा में कॉट ए प्लस वन, अब माइनस में कॉसेक ए जस के तस रहने दीजिए, कुछ नहीं कीजिएगा और जस के तस। अब यहां से क्या करेंगे कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, अब देखिए यहाँ पर इसका पोस्ट तोड़ दीजिए तो वन माइनस कॉसेक ए, और इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में कॉट ए, अब बटा में कॉट ए प्लस वन माइनस में क्या हो गया कॉसेक ए आ गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों दोनों एक ही रंग का, दोनों कट जाएगा, देखिए वन माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और देखिए कॉट ए प्लस में है और वन माइनस कॉसेक है कि नहीं, तो दोनों बात एक ही है, दोनों को हम काटते हैं, जैसे ही काटे तो मेरे पास रिजल्ट ये आ गया कॉसेक ए प्लस कितना आ गया कॉट ए, तो देखिए बच्चों यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक ए प्लस में क्या हो गया कॉट ए इतना आ गया। देखिए बच्चों यही बात हमको क्या करना था साबित करना था, इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से एलएचएस क्या हो गया आरएचएस के बराबर आया कि ना आया, देख रहे हैं यहाँ पे एलएचएस से निकालते गए हैं और यहाँ पे क्या हो गया लास्ट में इतना साबित हुआ कि नहीं हुआ, यही हमको साबित किया उसी को हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि इतना बराबर इतना ये क्या हो गया, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से आप देख लीजिए बढ़िया से, आपको इतना बड़ा इतना साबित करना था, हम साइन से ऊपर नीचे भाग दिए आंसर और दोनों में भाग दिए हैं, भाग देने उसको तोड़े और कुछ नहीं किए, सिर्फ एक को साइड करके एक जगह फॉर्मूला इस्तेमाल किया है और सके स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ फॉर्मूला और आता है इसी का प्रयोग भी करना है, किसको उधर ले गए हैं यहाँ पे तोड़ दिए हैं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी को तोड़ने के बाद देख रहे हैं कि दोनों में से कॉमन होगा तो कॉमन निकाल लिए तो वन इससे भाग दीजिएगा तो वन इससे भाग दीजिएगा तो जस के तसा माइनस रूम में रहेगा तो बीच में आ गया, ठीक है क्योंकि इसमें हम कॉमन लिए हैं। अब क्या करेंगे सर पोस्ट तोड़ देंगे तो पोस्ट तोड़ेंगे देखते हैं कि बगल वाला जो है ना वो नीचे वाले के बराबर है तो दोनों आपस में कट जाएगा बच जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही आपको क्या करना था बच्चों साबित करना था, समझे कि नहीं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है वन प्लस साइन ए बट वन माइनस साइन ए, वन प्लस साइन ए बट वन माइनस साइन ए रूट अंडर दिया हुआ है सेक ए और प्लस में टैन ए, ध्यान दीजिए बच्चों कह रहा है कि वन प्लस साइन ए बट ए वन माइनस साइन ए रूट अंडर है तो रूट में है रूट अंडर वन प्लस साइन ए बट ए वन माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टैन ए दिया हुआ है सेक ए प्लस टैन ए, अच्छा इतना और इतना क्या करना है साबित करना है। तो चलिए बच्चों एक बात आपको बताते हैं रूट लगा हुआ है इसमें क्या लगा हुआ है रूट, और एक बात याद रखिएगा खासकर रूट वाला जब क्वेश्चन आएगा ना तो आप उसमें क्या कीजिएगा परिमेयकरण कीजिएगा, उसका परिमेयकरण अर्थात नीचे में हर जो रहेगा ना उसका परिमेयकरण, अब नीचे का रूट है ना रूट वाला जो आएगा तो प्लस में दिया रहेगा अंदर में तो माइनस वाला से गुणा कीजिएगा, माइनस में दिया रहेगा तो प्लस वाला से गुणा कीजिएगा, और हर का जैसे परिमेयकरण होगा ना तो अपने आप ऐसे एक नया फॉर्मूला आएगा और उसके द्वारा आप लोग उसको साबित कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या बोले हैं उस पर काम करके पद दिखाते हैं आपको, एल एच एस वन प्लस साइन ए और बटे में वन माइनस साइन ए दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको हम दो तरह से इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं और उसके बाद स्क्वायर करेंगे, चाहे इसको हम अंदर में इसका सेटिंग कर लेते हैं, देखिए बच्चों कैसे करते हैं रूट अंडर वन प्लस साइन ए रहने देते हैं बटा में वन माइनस साइन ए है ना इसको जस के तस,
अब बच्चों क्या करते पता है, नीचे में वन माइनस था तो वन प्लस से हम ऊपर नीचे गुना करा देते हैं, वन प्लस प्लस से क्या कर रहे हैं ऊपर नीचे बच्चों गुना करा रहे हैं। ध्यान दीजिए इतना हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे वन प्लस साइन है, वन प्लस साइन है, ऊपर नीचे कट जाएगा तो पहले वही ना आ जाएगा। यहाँ पर यह रूट अंडर वाला सवाल था, हर का परिमेय क्रम करने में रूट हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। नीचे यदि माइनस है तो प्लस प्लस गुना करेंगे, प्लस है तो क्या करेंगे माइनस प्लस गुना करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे मुझे पता है, यहाँ पर ए है ना वन प्लस साइन है, वन प्लस साइन एक ही जैसा है, तो क्या वन प्लस साइन ए का हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बटा में वन माइनस साइन ए, तो वन माइनस साइन ए इंटू में क्या हो गया वन प्लस कितना साइन ए। अब देखिए बच्चों ऊपर में वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, उसको जस के तस रहने दीजिए, कुछ नहीं कीजिए इसको, जस के तस रहने दीजिए। अब देखिए बच्चों नीचे में फॉर्मूला बन चुका है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और आपको पता होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसको इसको हम सेट करेंगे तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, अब बी का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके बाद बच्चों रूट अंडर वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर जस के तस रन दीजिए, बटा में बच्चों ध्यान दीजिए। अब वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। अब देखिए दोनों में ऊपर भी एक स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, दोनों को एक पोस्ट में करके दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। तो चलिए दोनों को एक पोस्ट में करके दोनों का क्या कर देते हैं होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर से रूट अंडर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा वन प्लस साइन ए बटे में क्या बचेगा कॉस ए। अब हम क्या करेंगे दोनों को अलग अलग करेंगे, अर्थात एक में कॉस से भाग देंगे, एक में कॉस से ए से भाग देंगे और उधर साइन ए में कॉस ए से भाग देंगे। वन एक में कॉस से भाग देंगे तो क्या बचेगा बच्चों सेक ए बचेगा, क्या बचेगा सेक ए, और जब इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा बच्चों टैन ए बचेगा। देखिए बच्चों जे हमारे पास आ गया कितना सेक ए प्लस टैन ए, क्या हमको यही बात ना साबित करना था कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, यही बात हमको साबित करना था। तो एल एच जो हो गया वो किसके बराबर हो गया आर एस के बराबर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो गया बनकर। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफी आपको अच्छा लग रहा होगा, अभी आगे और अच्छा लगेगा। अरे बचा वीडियो है ना, कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है उसको भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, साइन थीटा बटे 2 साइन क्यू थीटा और 2 कॉस क्यू थीटा माइनस में कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है टैन थीटा। अब देखिए बच्चों कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टैन थीटा, यह साबित करना है। देखने से लग रहा है कि बड़ा भीड़ा हुआ, कुछ नहीं है बहुत ईजी है, लेकिन बताओ कैसे बनाते हैं इसको, एलएचएस बहुत ईजी है। अब देखिए बच्चों ऊपर में से साइन कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिएगा तो वन माइनस क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा, कॉमन का मतलब भाग देना भी होता है, साइन से भाग दीजिएगा तो वन, इससे भाग दिया तो स्क्वायर बच जाएगा। अब बच्चों नीचे से भी हम लोग कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लीजिएगा तो यह बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या बचेगा 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में क्या बचेगा 1। अब देखिए बच्चों साइन थीटा बटे कॉस थीटा टैन थीटा तो आ गया, इसका मतलब दोनों कट जाएगा। अब इसी दोनों फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, आगे चलेगा ना यार, जब इससे 11th क्लास में जाइएगा और साइंस लेकर पढ़िएगा तो सर मैथ में फार्मूला आता है कि कॉस 2 थीटा क्या आता है, कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है। उस फॉर्मूला के हिसाब से अगर 11th में आप रहते तो हम यहीं पे दोनों को क्या करते काट देते और साबित हो जाता, लेकिन आप 10th में है वो फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ाया गया, इसलिए इसको हम छोड़ के जो आपको पढ़ाया गया उसी पे इसको बना रहे हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच्चों जस के तस रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या करते हैं, ये खत्म हो चुका है टेन थीटा चुका, नीचे में है यहाँ पर 2 आप कॉस की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और माइनस 1 ऊपर में आ चुका है टेन थीटा, पीछे का टेन थीटा कहाँ से आया था दूर से आया है टेन थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अब बटे में गुणा कीजिएगा तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 में से एक जगह तो बटे में क्या बचेगा, देखिए इधर ऊपर जस के तस, ऊपर में जस के तस उतार दीजिएगा, अब नीचे में 2 में से एक जगह तो क्या बचेगा 1 और माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों दोनों एक रंग का है कि नहीं, दोनों कटा कि नहीं, आपको आगे ही बता दिए थे कि दोनों फार्मूला ही होता है।
और दोनों कट ही जाएगा। वैसे ही बात में है ना, आपको ना पता चलेगा कि दोनों कटेगा। अब यहाँ से आ गया इतना tan थीटा, आ गया tan थीटा, यही हो गया आपका RHS। अब बच्चों यही आपको क्या करना था, साबित भी करना था। इस प्रकार से देख रहे हैं कि सवाल कितना इजी है। आपसे भी ऐसे ही सवाल बनेगा, सिर्फ फॉर्मूला में पकड़ बनाइए, अभ्यास कीजिए और थोड़ा कंसेप्ट लगाते रहिए, सवाल आपसे भी क्या हो जाएगा, जल्दी से बन जाएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस में कॉस ए और प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर जो होता है ना, वह 7 प्लस टैन स्क्वायर ए और प्लस में कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। देखिए बच्चों हमारे पास साबित करना है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ए कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर जो होता है वह 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के क्या होगा, बराबर होगा। देखिए बच्चों इसको हम कैसे साबित करते हैं, पहले LHS जो लिखा हुआ है ना उसको लिख लीजिए, इतना कॉसेक ए का हो गया होल स्क्वायर और प्लस जे LHS लिखा हुआ है ना उसको उतार लीजिए चुपचाप। चलिए ये उतर गए बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ से इसका हम लोग है ना होल स्क्वायर तोड़ेंगे, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर तो कॉसेक स्क्वायर ए, अब होता है टू ए बी तो टू साइन ए इंटू कॉसेक ए, अब प्लस में फिर इसका जुड़िएगा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए, अब प्लस में टू कॉस ए इंटू में क्या हो जाएगा सेक ए आ जाएगा। अब बच्चों देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों प्लस में ना है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम दोनों को साथ रख लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला में आगे काम आएगा। तो साइन साइन और इसे भी याद होगा आपको फॉर्मूला ऐसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, होता है ना, इसलिए वहां पे ना रखेंगे बाद में, इसलिए रख दिए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आ गया, देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस में अब यहाँ देखिए कॉस से लिखा हुआ है उसको जस के तस उतार दीजिए, अब उसके बाद इसके साथ सेक स्क्वायर ए लिख देते हैं। अब बच्चों देखिए साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस या कॉसेक ए है, याद होगा पीछे गया ना हम फॉर्मूला बताए थे, साइन को जब कॉसेक से गुणा किया जाता है तो वन होता है, कितना होता है वन होता है, इसके जगह पे वन आ जाएगा तो यह हो जाएगा दो गुणे वन। प्लस उसी प्रकार इससे है ना कॉस और सेक जो होता है उसका प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी वन होता है, याद हो जाएगा दो गुणे वन। अब है ना अगर नहीं भी याद होगा तो एक फॉर्मूला याद होगा आपको कि कॉसेक जो होता है एक बटे साइन होता है, तो यहाँ पे हो गया साइन गुणे एक बटे साइन, साइन से साइन कट जाएगा तो क्या ना बचेगा, तो वही इसीलिए बोले कि इसका फॉर्मूला कितना होता है। उसी प्रकार कॉस और सेक है तो कॉस का कॉस सेक का वन बटे कॉस हो गया, कॉस से कॉस कट जाएगा तो एक बचेगा कि नहीं, तो दो एकम क्या हो जाएगा दो आ जाएगा, बस समझ आएगा कि नहीं। आगे यहाँ पे दोनों के जगह पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा तो वन हो जाता है, कॉसेक बराबर वन प्लस क्या होता है कॉट स्क्वायर ए होता है, सेक बराबर वन प्लस क्या होता है टैन स्क्वायर ए होता है, फॉर्मूला इस्तेमाल किया। अब प्लस में दो प्लस क्या हो गया दो, अब गॉस देखिए ना जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा सात, एक 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 का तीन, तीन चार कितना हुआ सात, अब प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ से टैन स्क्वायर ए, अब प्लस में क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ये क्या हो गया आर एच एस। यही बात अब क्या करना था जो साबित करना, देखिए कितना आसान क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जा रहा है, आपसे भी बनेगा इस वीडियो को देखने के बाद, अब इसको बनाइएगा आपसे भी बन जाएगा, कुछ नहीं करना सिर्फ फॉर्मूला का इस्तेमाल करना। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए हैं, वहां पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिया, उसके बाद कॉस का फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया वन प्लस कॉट स्क्वायर है, सेक का इस्तेमाल कर दिया वन प्लस टेन स्क्वायर है, साइन ए इंटू कॉस के जो होता है वन के बराबर होता है, कॉस इंटू सेक जो होता है वन के बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर जो होता है वन के बराबर होता है, सब फॉर्मूला का इस्तेमाल करके साबित हो चुका है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों कह रहा है कि दोनों पक्ष को अलग अलग है ना हल करना है, कह रहा है दोनों पक्ष को अलग अलग हल कीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू में सेक ए
माइनस कॉस ए बराबर वन प्लस टैन ए और प्लस में कॉट ए, यही सवाल दिया बच्चों। कॉस ए के माइनस साइन ए और से के माइनस है ना कॉस ए के बराबर वन बटे टैन ए प्लस कॉट ए। सही बच्चों, आपको यही कह रहा है क्वेश्चन में कि इतना इंटू इतना बराबर इतना बटे इतना साबित करना है, और लिख दिया हुआ है कि दोनों पक्षों को अलग अलग हल करना है। क्या करना है? अलग अलग, मतलब एल एच एस अलग है और आर एच एस क्या करना है आपको अलग साबित करना है। देखिए बच्चों, एल एच एस को लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एल एच एस क्या कर रहा है? कॉसेक ए माइनस साइन ए, इंटू में दिया हुआ है सेक ए माइनस में कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉसेक ए माइनस साइन है, इंटू में सेक ए माइनस कॉस दिया हुआ है। अब क्या कीजिए, इस कॉसेक को बदल दीजिए साइन में, क्या हो जाएगा? वन मा है ना, वन बटे साइन है, अब माइनस में साइन है जस के तस रहेगा। अब यहाँ पे बच्चे इसको देखिए, क्या है सेक को बदल दीजिए वन बटे कितना कॉस है, वन बटे कॉस है, अब माइनस में क्या हो गया कॉस है जस के तस। अब बटा बना पूछा तो एक दे दीजिए एक दे दीजिए। अब यहाँ से लस ज्ञात कीजिए, साइन इसका लस ज्ञात कीजिएगा तो साइन ए, भाग दीजिएगा तो वन, इसे भाग दीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए, इंटू में उसी प्रकार वन माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अब बटन में क्या हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, अब बटन में साइन ए। उसी पर बच्चों वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए, अब बटन में क्या होगा बच्चों कॉस ए। अब देखिए यह हो गया, अब देख रहे बच्चों यहाँ से साइन वो कट जाएगा और कॉस है वो कॉस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बच गया आपके पास साइन ए इंटू क्या बच गया कॉस, ये निकल गया एल एच एस, क्या निकल गया एल एच एस। अब बच्चों हम निकालना है आर एच एस, क्या निकालेंगे आर एच एस, दिया हुआ है वन बटे टैन ए प्लस में कॉट ए। देखिए बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, टैन ए बराबर साइन बटे कॉस होता है और कॉन कॉट बराबर कॉस बटे साइन होता है, वो फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। तो टैन का क्या होता है साइन ए बटे में कॉस ए, प्लस में कॉट का क्या होता है कॉस बटे साइन, ये हो जाएगा कॉस ए बटे में क्या हो जाएगा साइन ए। अब एलसीएम ज्ञात कीजिए, ऊपर में एक जस के तस, नीचे का एलसीएम ज्ञात कीजिएगा तो साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा, कॉस से भाग दीजिएगा कॉस ए तो क्या बचेगा, क्या बचेगा कॉस कट जाएगा साइन बचेगा, साइन साइन से गुणा कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से भाग दीजिएगा कॉस बचेगा, कॉस को कॉस से कीजिएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और देखिए बच्चों नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो साइन ए इंटू कॉस ए, याद भी बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है वन, बराबर क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एल एच एस में जो मान प्राप्त हुआ था वह आर एच एस के मान के क्या हो चुका है बराबर हो चुका है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एल एच एस क्या हो गया आर एच एस के बराबर होता है, और यह भी क्वेश्चन क्या हो गया साबित हो गया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफी आपको अच्छा लग रहा होगा आज के वीडियो का। अब देखिएगा आप लोग आज के वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन आप जोड़ने जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 अब हम आपको बनाकर दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो क्वेश्चन है बच्चों परीक्षा में बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और क्वेश्चन को थोड़ा घुमा घुमा के पूछता है, ये 10वां नंबर जो क्वेश्चन है परीक्षा में घुमा घुमा के पूछता है। एक एल एच एस है, एक आर एच एस के अलावा भी है ना एम एच एस है, मतलब मध्य है ना पक्ष भी इसमें दिया हुआ है। वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटे वन प्लस क्या है कॉट स्क्वायर ए बराबर वन माइनस टेन ए, अब बटा में वन माइनस कॉट ए का करा होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए दिया हुआ है टेन स्क्वायर ए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इतना बराबर इतना बराबर इतना दिया हुआ है, अब यहाँ पे साबित कर रहे हैं बच्चों एल एच एस बराबर। यह क्वेश्चन परीक्षा बहुत बार पूछा गया, पूछ देता है इतना बराबर इतना चाहे इतना बराबर इतना चाहे इतना बराबर इतना, बहुत बार घुमा के क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा में, क्वेश्चन बहुत बार घुमा के पूछा जा चुका है। अभी हम आपको तीनों प्रूफ करके दिखा रहे हैं, तीनों प्रूफ करके, तो वन प्लस टैन स्क्वायर ए बटे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए कर रहा है। देखिए बच्चों फॉर्मूला ही होता है वन प्लस टैन स्क्वायर ए क्या होता है, याद होगा वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है सेक स्क्वायर ए,
उसे वन प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। अब इसको इसको तोड़िएगा तो वन बटे क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, इसको तोड़िएगा तो वन बटे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। फॉर्मूला होता है वैसे को बदल दिया कॉस में और कॉसेक को बदल दिया है साइन। अब ऊपर है ना पलटिया मारेगा तो जगह ऊपर में चला जाएगा साइन स्क्वायर ए और यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और याद होगा साइन है ना दोनों को स्क्वायर है, एक क्वेश्चन में कर लीजिए साइन बटे कॉस ए का क्या हो गया होल स्क्वायर, और साइन बटे कॉस क्या होता है टैन ए का होल स्क्वायर होता है, जो टैन स्क्वायर ए के क्या हो जाएगा बच्चों बराबर। यहाँ से देख रहे हैं कि एलएचएस से डायरेक्ट क्या हो गया आरएचएस साइड हो गया। अब बच्चों हम पिछला पक्ष लेते हैं जिसको हम एमएचएस करते हैं, मिडिल हैंड साइड करते हैं, मिडिल हैंड साइड करते हैं, पिछला पक्ष बोलते हैं। तो यहाँ पर वन माइनस टैन ए बटे वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर कर रहा है, बताइए इसको होल स्क्वायर करना है। तो देखिए बच्चों अंदर में जो दिया हुआ है उसको साइन कोस में तोड़ दीजिए, टैन और को है ना कॉट को साइन कोस में तोड़ दीजिए, सवाल बन जाएगा। यहाँ से वन माइनस साइन ए बटे में क्या होगा कॉस ए है ना कॉस ए पूरा के बटे में, वन माइनस कॉस ए बटे में क्या हो जाएगा साइन ए पूरा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों उसका एलसीएम ज्ञात कीजिएगा तो कॉस ए माइनस साइन ए बटा में कॉस ए पूरा के बटा में साइन ए माइनस कॉस ए बटा में हो जाएगा साइन ए पूरा का क्या हो जाएगा बच्चों पता है होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ से बराबर यहाँ पर है ना इसका गुणा करेंगे ऊपर ना पलटी मारेगा तो यह ऐसे लिखा जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बटा में कॉस ए इंटू साइन ए बटा में साइन ए माइनस कितना कॉस ए, ऐसा क्या हो गया होल स्क्वायर। देखिए बच्चों यह से ना इससे अगर ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यह इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा। देखिए यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस साइन ए माइनस कॉस ए और बना बटा में इसे कॉस ए इंटू साइन ए बटा में साइन ए माइनस क्या हो गया कॉस ए। देखो बच्चों इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। देखो बच्चों इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, साइन बटे कॉस क्या होता है टैन होता है, आगे अंदर है माइनस टैन ए तो क्या हो गया होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर कीजिएगा तो क्या जाएगा टैन स्क्वायर, तो क्या देख रहे बच्चों आर एस के बराबर आया कि नहीं आया, तो एम एच एस भी हो गया आर एस के बराबर। इसलिए बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं एल एच एस बराबर एम एच एस बराबर क्या हो गया आर एच एस हो गया। यहाँ पर देख रहे बच्चों इस प्रकार से तीनों पक्ष क्या हो गया साइड, जो एल एच एस का मान है वो आरएचएस के बराबर चुका है, एम एच एस भी जो है वो है ना आरएचएस के बराबर है। इस बार देखते हैं कि तीनों पक्ष तीनों के क्या हो गया बराबर हो गया। इस प्रकार से एनसीईआरटी के क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 लेक्चर नंबर 7 में हम लोग कैसे 10 तक के सवालों को देखते हैं। 8.4 के पचवा में 10 क्वेश्चन दिया हुआ था, पचवा नंबर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन उसके अंदर आता है जो साबित करने के लिए कहा गया था। इसमें लेक्चर नंबर 6 में हम 3 क्वेश्चन को साबित करके दिखाए थे आपको, और लेक्चर नंबर 7 में आपको 7 क्वेश्चन है ना साबित करके दिखा। बच्चों आप लोग क्या कीजिएगा 10 क्वेश्चन को अच्छे से बना लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि देखते हैं कि बोर्ड में है ना लगभग इसी से है ना क्वेश्चन पूछ देता है, क्या तो थोड़ा हटा के पूछेगा तो इससे रिलेटेड पूछेगा, नहीं तो बाकी इसी से लगभग क्वेश्चन ही पूरा डाल देता है। यही है ना साबित करने के लिए कि साबित कीजिए कि इतना बराबर इतना होगा इतना होगा। तो आप लोग ऐसे आशा करते हैं आप लोग अच्छे से वीडियो को देखे होइएगा तो जरूर सीख लिए होइएगा इसे, तो इस सवाल को आप ऐसे बारीकी से और बनाने की कोशिश कीजिएगा और अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि अभ्यास बहुत जरूरी होता है। फार्मूला पे कमांड रखिएगा, फार्मूला आपको याद रहेगा और अभ्यास कीजिएगा। यह सब जो होता है ना मैथ जो होता है प्रैक्टिस का चीज़ है, बनाते रहिएगा ना फार्मूला याद रहेगा तो आपसे जरूर क्या हो जाएगा बन जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम 10 तक के ना सवालों को प्रूव कर दिए हैं। इस प्रकार से त्रिकोणमिति का जो टॉपिक था त्रिकोणमिति अनुपात और उससे संबंधित जो टॉपिक था पढ़ना था आप लोगों को क्लास 10th में वो पूरा क्लियर कर दिए। अब जो अगला जो वीडियो लेकर आएंगे उस वीडियो में आप लोग सीखिएगा ऊंचाई और दूरी हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस पर सवाल कैसे परीक्षा में पूछा जाता है। अब उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अगर ना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।